तो जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा, शायद नहीं भी देखा, तो अगर आपने देखा तो आपको ये देखा होगा आपने कि मैंने कोविड टेस्ट करवाया था अपना पहली बार, जिसका रीज़न था ट्रैवलिंग। और मैं ट्रैवल करने वाला हूँ वैष्णो देवी, और वो सारी इन्फॉर्मेशन कि कितना खर्चा होगा उसके ऊपर मैंने ये व्लॉग बनाया। और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करो और बस इस जर्नी में मेरे साथ चल पड़ो। खिड़की वाली जगह पर बैठ के ना बालों का मलीदा बन गया। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी बज रहे हैं 5 सुबह के और आज डेट है 15th of July। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। हमारी ट्रेन जानी है शायद से 8 नंबर प्लेटफॉर्म से जाएंगे। और मैं पहली बार आया हूँ ये वाले रेलवे स्टेशन पे नई दिल्ली। वैष्णो देवी में हालांकि दूसरी बार जा रहा हूँ, पर यहाँ पहली बार आया हूँ। अपनी अनाउंसमेंट है, अपनी अनाउंसमेंट है। 5:30 तक आएगी भाई, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। अंधेरा हो रहा है बिल्कुल ही, 5:10 हो रहे हैं अभी। 8 दो भाई 8 दो। यही होगी यार, यही होगी शायद अपनी, यही है ना अपनी, यही है ना। चलो जी सामान उठाओ, चलो अब। लो भाई थोड़ा सा दिन भी हो गया अब, और अब चलते हैं ट्रेन में। यही वाली है अपनी, गुजरात से है ये, और मैं पहली बार एसी वाली ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। हालांकि मैं ट्रेन में ही दूसरी बार सफ़र कर रहा हूँ, और पहली बार भी वैष्णो देवी गया था, दूसरी बार भी वैष्णो देवी जा रहा हूँ। अबे भाई 1 किलोमीटर की वॉक हो गई तगड़ी। B5 पे पहुँचे, हमारा B1 है भाई। वही सैर हो गई, लो भाई आ गया, ये अपना यही है ना। चलो जी, कूलिंग तो है भाई, ध्यान से। अरे बैग फंस गया भाई तेरी। अभी टाइम क्या हो रहा है, 5:40 हो रहे हैं, 6:45 शार्प चल पड़ेगी ये ट्रेन। भाई अपनी ट्रेन जाकर रुकेगी सीधा पानीपत, और पानीपत के बाद अंबाला, अंबाला के बाद लुधियाना, लुधियाना के बाद शायद से पठानकोट, और पठानकोट जाते ही नेट बंद हो जाएगा, सिम वगैरह चलनी एकदम बंद हो जाएगी। अगर आपकी पोस्ट पेड हो तो पोस्ट पेड चलेगी। और ये क्या टक टक कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लेके आया आपके साथ टिक टैक। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। तो भाई अभी अभी पानीपत पहुँचे हैं, 7:11 का टाइम था, बट हम पहुंच गए हैं 6:50 पे, तो थोड़े जल्दी चल रहे हैं अभी भी। तो भाई अभी हो रहे हैं 8:25 और 8:50 पे अंबाला पहुंच जाएंगे हम, 8:50 के अराउंड। देखते हैं बाकी, आपको दिख भी रहा होगा अंबाला है। तो भाई अभी जस्ट हम पहुंचे हैं अंबाला स्टेशन पर, अंबाला कैंट पर, और अब देखते हैं। 8:52 तक बोला है, अभी 8:38 हो रहे हैं, 8:52 तक हम यहीं पर रहेंगे। पर पता है इसका एक ये है प्लस पॉइंट कि ये जैसे हमें पहुंचाने वाली थी 8:50 पर,
और इसने पहुँचा दिया 8:38 पर ही, तो ये जल्दी पहुँचा दिए स्टेशन पर, सारे स्टेशन पर अभी तक हम टाइम से पहले आए हैं, क्योंकि अभी देख लो 8:30 हो रहे हैं, हम अम्बाला पहुँच गए। अगला स्टॉप है लुधियाना का, लुधियाना के बाद है जलंधर, जलंधर के बाद पठानकोट, पठानकोट के बाद जम्मू, जम्मू के बाद उधमपुर, उधमपुर के बाद फिर सीधा कटरा स्टेशन है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। अभी अम्बाला से चलेंगे और अगले स्टेशन पर आपसे मिलता हूँ फिर मैं। बीच का रास्ता सुंदर है यार, ये जो खेत वगैरह होते हैं ना, ये बड़ा सुंदर रास्ता है। थोड़ी देर के लिए सो गए थे, बढ़िया नींद आई यार, लुधियाना पहुँच गए। बाकी ये एसी चल रहा है और ये डायरेक्ट हवा पड़ रही है अभी मेरे पे, सारे मजे से सो रहे हैं। तो भाई अभी पहुंच गए हैं जलंधर। एसी वाली ट्रेन में बैठ के ना पता नहीं चल रहा था कि मौसम इतना ज़्यादा गर्म है। आप पी रहे हैं भाई चाय, सफ़र की चाय, और कैसे बैठा हुआ देख लो आप। भाई बस पहुंचने वाले पठानकोट, और उसके बाद मेरा नेटवर्क वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा, ना नेट ना नंबर वगैरह। होटल में वाईफाई है, मैं वहीं से जो करूँगा जो करूँगा। अब पठानकोट से आगे जाते ही आपका, आपको नई सिम लेनी पड़ती है, आपका वो वाला जो सिम है वो नहीं चलेगी वहाँ पर। अगर आपके पास पोस्ट पेड हो तो फिर भी शायद चल जाए। ये सिनेमैटिक शॉट्स लेने की कोशिश की जा रही है, थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स आएंगे ना गिम्बल से, मज़ा आ जाएगा। सिनेमैटिक शॉट्स दिखेंगे आपको इस वीडियो में, ब्लॉग में ढंग से। अच्छा इतना ब्लॉग पूरा हो गया, मैं आपको बताया ही नहीं अभी तक, मैं जा कहाँ रहा हूँ, सब कुछ मैंने बता दिया। जलंधर आ गए, वहाँ आ गए, यहाँ आ गए, तो मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी। और गया कौन नेट किया क्या नेट के, हमारे कनेक्शन ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि पठानकोट तक पहुँचते ही या फिर उससे थोड़ा बहुत आगे आते ही नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यह है भाई अपनी थाली ऑर्डर कर दी हमने 120 रुपए की, जिसके अंदर छोले ये गया, दाल और चावल, तीन चपाती, तीन चपाती। टेस्ट तो कुछ खास लगा नहीं भाई, सच बताया वगैरह। ये चक्की रिवर, ओ भाई। तो भाई अब आ गए हैं हम, अभी हो रहे हैं 12:40 और अब हम पहुंच गए हैं पठानकोट। पठानकोट और यहाँ पर कितनी ज़्यादा सख्ती है ना हमारी ट्रेन के उस पार, एक इंडियन आर्मी की ट्रेन है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी ट्रेन के अंदर जाकर। ये देखो बाकी वो ताया जी और भाई वो ले रहे हैं सामान कुछ खाने पीने के लिए, यहाँ से सब कुछ है, माउंटेन ड्यू वगैरह जो लेना है ले लो। और ये देखो वो पहाड़ वगैरह जो हैं छोटे छोटे। गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी, गर्मी इतनी ज़्यादा है, अंदर पता नहीं चल रही थी, अंदर ना एसी चल रहा था तो नींद भी आ रही थी, अब बाहर आती पता चल रहा है असली कि गर्मी कितनी ज़्यादा है। और मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन आर्मी की ट्रेन जो है, इंडियन आर्मी, और हमारी ये वाली है, ये हमारी ट्रेन है। और ये देखो ये नहीं है क्या सर, कुछ नहीं व्लॉग है, व्लॉग ये है हमारी, इसको खोलना कैसे है। और ये देखो इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी की ट्रेन है। अंदर ऐसा था ना, देखो अंदर एसी चल रहा है प्रॉपर, अभी दरवाज़ा खोला भाई ने तब भी ठंडी हवा आ गई। बस अब यहाँ से जम्मू, जम्मू के बाद उधमपुर, और उधमपुर के बाद फिर अपना कटरा, सीधा कटरा पहुँच जाएंगे फिर। तो अभी बज रहे हैं 2:30 और थोड़ी सी नींद भी ले ली है, और अभी जस्ट पहुँचे हम जम्मू तवी पर, 2:30 बज रहे हैं और बिल्कुल टाइम पे ही पहुँच रहे हैं, जैसा टाइम बताया गया था, जो एक होता है ना, जो एक शेड्यूल होता है हमारा, उसके हिसाब से ये सब कुछ चल रहा है, बिल्कुल उसी टाइम के हिसाब से पहुँच रहे हैं, उसमें 2:30 बजे का आधा और 2:30 बजे ही पहुँचे हैं। तो ये है जम्मू तवी। ये प्लेटफॉर्म है जम्मू का, जम्मू तवी का, और सरप्राइजिंगली पिछली बार जब मैं आया था 2017 में,
तो ट्रेन उधर रुकी थी, बट इस बार ये वाले प्लेटफॉर्म पर आई है, यहाँ पर ये वाली साइड पर आई है। और बाकी अब मैं आपको उधमपुर का जो रास्ता होता है ना, हाँ से उधमपुर और फिर कटरा, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर रास्ता होता है, वो आपको दिखाऊंगा। भाई मिले यार हमें इधर आ रहे हैं ट्रेन में, क्या नाम है भाई? प्रतीक। प्रतीक भाई मुंबई से हो ना यार तुम? जी। गुजराती है अपने भाई, गुजराती बोलना सिखाओ यार कुछ ईजी वर्ड जो हमें याद हो जाए। बताओ बताओ कोई, आपको हिंदी बताओ मेरे को, आपको हिंदी में कोई क्या हाल है आपके? हाँ तो साथ बैठ के बात करते हैं भाई से, क्या हाल है आपके, इसको क्या बोलेंगे गुजराती में? क्या हाल है आपका, उसको बोलेंगे तमे केम छो, आपका मतलब तमे तमे केम छो। अच्छा ये तो तारक मेहता वगैरह में भी देखा है हमने। और बाकी आज खाने में मूंगी मसरों की दाल है, इसको गुजराती में कैसे बोलेंगे? आज है जम्बावा मग मसूरनी दाल छे। जम्बावा मतलब? जम्बावा मतलब खाने में, खाने में जम्बा जम्बा मा जम्बा जम्बू जम्बू मीन्स खाना, जम्बो मीन्स खाना। अच्छा अच्छा सही यार। और चलो वैष्णो देवी, इसको कैसे बोलेंगे? चलो वैष्णो देवी और ऐसे ही कुछ, चलो को चलो ही बोलते हैं। चलो तो चलो ही। अच्छा सही है यार, पूरी ट्रेन खाली हो गई भाई, अपने सबसे बढ़िया बंदे मिले हैं हमें, जो मिले हैं बढ़िया ट्रेन में। थैंक यू यार भाई ना, सबसे बड़ी बात है भाई का है पोस्ट पेड, तो भाई ने दे दिया हमें नेट, बोर हो रहे थे तो थोड़ा सा हमने कहा चलो नेट भी मिल जाएगा और बाकी भाई से बात भी कर ली। थैंक यू यार, ये पहाड़ी इलाका है और बहुत ही ज्यादा सुंदर रास्ता है, वहां से देखो। सब एकदम ही बारिश शुरू हो गई एकदम ही भाई, कटरा स्टेशन पहुंच गया और पानी देखो कैसे टपक रहा है। अब चलते हैं बाहर, आराम से करना, ओए फिसलना मत जाइयो, आराम से आइयो। ये देख लो यार, अगर आप टेस्ट नहीं करवा कर आओगे तो आपको ऐसे इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना ही पड़ेगा। देख लो वो, देखो वहां तक लाइन है यार, अगर आप देख सको तो वो देखो। प्लीज टेस्ट करवा कर आना और मास्क ज़रूर पहनना, क्योंकि यहाँ पे मास्क मैंडेटरी है, आपने नहीं पहना तो आपका चलान कटेगा ही कटेगा। और बाकी अपनी RT-PCR रिपोर्ट 48 आवर्स तक की लेकर आनी ही पड़ेगी आपको, अगर आपको यहाँ इतनी लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना तो। अच्छा ये जिनकी रिपोर्ट है, जिनके पास अपनी नेगेटिव रिपोर्ट है कोरोना की, उनकी भी लाइन है ये। और कहाँ तक लाइन है यार, बिल्कुल एंड तक लाइन है, इसमें भी खड़ा होना पड़ेगा अभी। भाई साहब देख लो यार, दिख ही नहीं रहा है कुछ, इतने बादल आ गए नीचे, मौसम इतना ख़राब हो चुका है अब, और ये लाइन अब चलने लगी है। और उधर है कोरोना टेस्ट जो जिनको करवाना है उनकी लाइन, पर यार बादल देखो। अपनी रिपोर्ट वगैरह सब चेक हो गई है, अपनी RT-PCR ज़रूर लेकर आना वरना बहुत लंबी लाइन में आप लोगों को जाना पड़ेगा। और ये अपनी रिपोर्ट को अब रख देते हैं संभाल के। अच्छा ये इसकी आवाज़ है, मैं बोला बादल करा दे रहा है। टिकट वगैरह भी चेक हो रही है यहाँ पर, टिकट भी चेक करेंगे उसके बाद ही जान लेंगे अंदर। बताओ यहाँ पर धूप, और यहाँ देखो दिख नहीं रहा बादलों की वजह से ढंग से। भाई पहुँच गए हैं अपना वैष्णो देवी कटरा, सारा प्रोसीजर कंप्लीट करा टिकट का। सो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई होगी मेरे को पता है,
अब हम यहाँ आए हैं होटल ब्लू सफायर में, जिसका हमें ट्रिपल बेड जो है वो मिला है अराउंड 1000 का, 1100 के अराउंड का हमें इसका ट्रिपल बेड मिला। मैं आपको रूम दिखा देता हूँ कैसा है। और हाँ, अब रात को खाना वगैरह खा के अब हम जाएंगे चढ़ाई करने, और अंधेरा हो गया है इस वक्त, बज रहे हैं, घड़ी नहीं है यार, रुको, इस वक्त बज रहे हैं रात के 8:30। और आपको अगर मैं दिखाऊँ, ये देखो, आपको शायद दिख जाए अंधेरा, अब बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है। और ऊपर वहाँ पर देखो लाइट्स दिखनी शुरू हो गई हैं। और बाकी रूम काफ़ी अच्छा है, एसी रूम है, वाईफाई भी आपको इसमें मिलेगा। अभी थोड़ा सामान फैल रहा है, और ये 3 बेड वाला है ये। बाकी टॉयलेट वगैरह जो है यहाँ पर सब बढ़िया, मतलब गंदे नहीं है, हाइजीनिक है बिल्कुल ही। आपको अगर आना है तो आप आ सकते हैं होटल ब्लू सफायर, और यहाँ पे आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी मिलेगी, जिससे आप यहाँ से बाणगंगा तक ही आपको छोड़ कर आएंगे, और जैसे ही आप चढ़ाई करके नीचे आ रहे होगे तो वो आपको लेकर भी आएंगे बाणगंगा तक। उसके साथ ही साथ अगर आपको स्टेशन जाना होगा यहाँ से दिल्ली, जैसे मेरे को जाना है स्टेशन, तो वो भी स्टेशन तक ये मेरे को छोड़ने जाएंगे। तो अच्छा है होटल, बढ़िया। तो हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ, और अब इसका अगला पार्ट आएगा 2-3 दिन बाद, जिसमें मैं आपको अपनी पूरी यात्रा दिखाऊंगा वैष्णो देवी की। रात को मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसको यहीं पर ही एंड करते हैं। और एक पार्ट रखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा खर्चा कैसे हुआ, कोरोना की सिचुएशन में कैसा था, क्या था, पूरी डिटेल्स दूंगा। बस सीरीज़ को ढंग से देखना, जो वैष्णो देवी वाली सीरीज़ मैं निकाल रहा हूं, उसको ढंग से देखना, जैसे मनाली वाली सीरीज़ को प्यार दिया था वैसे इसको भी देना। और बस ये वाले ब्लॉग को यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।